हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक शर्मा। सो आज हम लेके आए एक नया वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और इसमें हम करेंगे आगे के 4 क्वेश्चन। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन वीडियो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, जैसे ही ये भी वीडियो क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि बेसिक टर्म्स कैसे कैसे हम एरिया की वैल्यूज को निकालते हैं, और इसके अंदर भी हम क्या निकालेंगे, एरिया की वैल्यूज को निकालना सीखेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल में। और इन चार क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अपने क्लास के टाइम में समझेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और समझ समझ के बराबर एक नोट्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मैं डायग्राम बना लेता हूँ फटाफट। क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर से ये चार हिस्सा काट दिया गया और एक सर्कल काट दिया गया, बचा हुआ जो हमने ड्रॉ किया है उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, समझो एक स्क्वायर है, स्क्वायर में से देखो एक स्क्वायर है, समझा रहा हूँ मैं अभी आपको। स्क्वायर में से ये हिस्सा काट दिए, ये हिस्सा काट दिए, ठीक है, मतलब ये हिस्सा हटा दिए, ये हिस्सा हटा दिए, ये हिस्सा हटा दिए साथ में, और साथ में ये हिस्सा हटा दिए। इतना सारा हिस्सा हटाने के बाद एक सर्कल का वाला भी हिस्सा हमने क्या किया, इतना हटा दिया है। ठीक है, इतना हटा दिया है, समझो ऐसे हटा दिया, निकाल दिया है। तब क्या बचा, इतना बचा ना, इस एरिया को ही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या करने वाले हैं हम। बुक के अंदर आप देखो तो बुक के अंदर हमें क्या बोल रखा है, किताब के अंदर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल बन रहा है, मतलब ये जो सेक्टर बन रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ जो भी है, कुछ ऐसे बन रहा है, जो इसका रेडियस कितना, ये अगर सर्कल पूरा बन रहा है तो किस रेडियस का बन रहा है, ये 1 सेंटीमीटर, देखो ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका जो रेडियस है सर्कल का रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि देखो ये रेडियस है तभी तो ऐसा सर्कल बनेगा एक। तो ये चारों सर्कल, ये जो चारों है क्वाड्रेंट, ठीक है, ऐसे क्वाड्रेंट बनता है, ये एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, चारों हिस्सा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये सब 1 सेंटीमीटर। अच्छा, और ये अंदर का जो स्क्वायर है, अंदर का जो सर्कल है उसको भी निकालना है। तो देखो काम करते हैं, हम एक स्क्वायर लेते हैं, पहले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, पूरे का एरिया, पूरे के एरिया में से इतना ये चारों माइनस कर देते हैं और ये माइनस कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर में ऊपर से इतना हिस्सा, इधर से हिस्सा, इधर से हिस्सा, इधर से हिस्सा कट गया, साथ में बीच वाला एक हिस्सा निकाल देंगे जो बचेगा वही हमारा एरिया है, वैसे हमारा निकल जाएगा। तो देखो क्या करते हैं हम करते हैं, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सब कुछ समझेंगे थोड़ा सा। फॉर्मूला अगर आपको इस पर सेट, देखो फॉर्मूला यहाँ पर सेट करना खुद से है, फॉर्मूला सेट करना अगर आपको आ गया तो आप कर पाओगे सवाल को। ठीक है, चलो देखो, तो एक पहले तो एक बात समझिए, देखो यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ डिजाइन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू, सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर का एरिया निकाल दिए, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ओके, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है क्या ये सारी चीज़ें, ये पूरी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। क्या किया हमने, एरिया ऑफ डिजाइन, ये डिजाइन निकालना है, इसमें से हमने ये चार हिस्सा माइनस कर दिया, चार, ये क्वाड्रेंट जैसा दिख रहा है ना, देखो, ठीक है, कैसा दिख रहा है, ये आपको क्वाड्रेंट जैसा दिख रहा है, क्वाड्रेंट कैसा होता है, ऐसे 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 ऐसे, देखो चार क्वाड्रेंट है इसलिए मैं चारों ड्रॉ कर लिया। देखो अब देखो चार, आप एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट लिखो या एक एरिया ऑफ सर्कल लिखो, एक ही बात है ना, इसे देखो अब चार क्वाड्रेंट अलग अलग है, हमने ऐसा लिखा। अच्छा सारी वैल्यू रखते हैं, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है, साथ साथ कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। देखो रेडियस बिग, रेडियस ऑफ बिग सर्कल कितना है, 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल कितना है, वो भी 1 सेंटीमीटर है, देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब ये 2 दिया है क्या डायमीटर, अगर रेडियस का कितना होगा, 1 हो जाएगा, और साइड की वैल्यू दिया कितना, 4 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, निकालते हैं साइड इंटू साइड माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलता है पता है, एरिया क्वाड्रेंट एक क्वाड्रेंट का, पूरे सर्कल का तो एरिया कितना हुआ, 4πr2। एक क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो क्या करें, देखो कितने हिस्से कट गए, चार हिस्से, तो डिवाइडेड 4 कर देंगे, तो मतलब कितना हुआ, 1/4, देखो 4 × 1/4πr2, ये क्या निकला, ये एक क्वाड्रेंट का एरिया है, और ऐसा चार क्वाड्रेंट चाहिए हमें, 1, 2, 3, 4 है, तो हमने क्या किया, ऐसे कर लिया, यहाँ देखो 4 से 4 कट जाएगा, साथ में क्या है, एरिया ऑफ सर्कल πr2। ठीक है, साथ साथ यहाँ लिख लो, यहाँ पे स्मॉलर है और यहाँ पे
लार्जर, या ऐसे बोलो ये जो साइड वाला है और ये क्या मिड वाला है, ऐसा लिख लेते हैं, ए रेडियस फॉर मिड वाला और रेडियस फॉर साइड वाला, ओके तो ठीक है, तो आर एस है और ये क्या है आर एम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, हमने हमें लगता है ऐसे इजी पड़े इसलिए मैं ऐसे मेंशन कर लिया। देखो ये लोगों के साइड के लिए बताओ कितनी है, देखो फोर, तो फोर इंटू फोर माइनस, देखो फोर से फोर के बच के कट गया तो क्या बचा पाई आर आर एस का स्क्वायर माइनस पाई आर एम का स्क्वायर। आर एस आर एम क्या है, देखो हमने क्या ले लिया एम, एम क्या है मिड के लिए था, ये सेंटर में जो सर्कल है इसलिए हम बोलते हैं मिड में इसका सर्कल है, ठीक है, तो वन सेंटीमीटर है ना, किलोमीटर से दिख रहा है वन सेंटीमीटर, और जो साइड में था वो क्या मान लिए। बाकी देखो दोनों के लिए सेम है, आप कोई भी आर है सबके लिए आंसर सेम हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है देखो यहाँ फोर फोर सिक्सटीन, इसमें से माइनस पाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, देखो नहीं तो कॉमन मत लो, ऐसे भी निकाल लो ईजी पड़ेगा आपको, देखो माइनस 22 बाई 7 इंटू आर एस, आर एस की वैल्यू कितनी 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, यहाँ से माइनस 20 बाई 7 यहाँ भी 1 हो गया, ओके तो 16 देखो देंगे हम 22 बाई 7 माइनस 22 बाई 7 एलसीएम ले लो, तो 7 7 का एलसीएम कितना हुआ 7 हो गया, यहाँ से 16 इंटू 7 माइनस 22 माइनस 22 और सॉल्व करेंगे तो कितना आया 112 माइनस 22 माइनस 22 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ से देखो 22 112 माइनस 44 बाई 7 आंसर कितना गया 12 में 4 गया 8 और यहाँ पे 10 10 में 6 4 गया 6, तो कितना आया 68 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज द एरिया ऑफ द डिज़ाइन। ठीक है मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक स्क्वायर था, स्क्वायर हमने 1 2 3 4 चार हिस्सा निकाल दिया और बीच का सर्कल निकाल दिया, बचा हुआ हिस्सा निकालना था, हमने स्क्वायर का पहले एरिया ले लिया, फिर दो देखो 1 2 3 4 था, चार क्वाड्रेंट माइनस कर दिया और बाद में बीच वाला गोला भी माइनस कर दिया, हमारा यही आंसर आया। देखो एरिया स्क्वायर किया, एरिया फोर क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सर्कल, सब माइनस करने के बाद ये 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 यहाँ से एलसीएम लिया, ऐसे ऐसा आया 60%। ठीक है लिख लीजिए, ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है बस। क्वेश्चन नंबर टू को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाऊंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है जिन्होंने नहीं पढ़ा थोड़ा समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कैसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल लिया जाता है वो लिया जाता है कौन सा 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, ओके इसको बोल दो ए बी सी, ध्यान समझना, ध्यान समझोगे तभी होगा इस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया ये क्वेश्चन, सेम टू सेम यही क्वेश्चन, कोई नंबर में चेंज नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन कई बार आया है, हो सकता है कई बार आपको रेडियस में चेंज कर दिया, हाँ जैसे 32 दिया है, कुछ भी रेडियस दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम दो तीन चीज़ों को समझेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है दो ही समझो, दो ही अभी आपके काम का है इस क्वेश्चन के लिए, यही दो काम का है। तो यहाँ पे आपने जब जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात, जिन्होंने नहीं पढ़ा इस वाले को बोलते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम इसको थीटा लेते हैं, इसको थीटा मानते हैं अगर, ठीक है ये 90 डिग्री है लेकिन ये इन दोनों के बीच एंगल है थीटा, इसके हमेशा सामने वाला, इसके हमेशा सामने वाला, इसके सामने वाला क्या है, इसको बोलते हैं हम एल्टीट्यूड, थीटा के हमेशा सामने वाला एल्टीट्यूड होता है, थीटा के साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम बेस, और जो स्लैंट जैसा होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस, ठीक है हाइपोटेन्यूस, एल्टीट्यूड बेस और हाइपोटेन्यूस ये होता है। जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी हाइपोटेन्यूस, देखो इसको परपेंडिकुलर ही बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर, तीसरा फॉर्मूला कितना होता है पी बाई एच, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं हम पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हम बी अपॉन एच भी बोलते हैं, तो पी बाई एच एंड बी बाई एच याद रखें, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, पी कौन सा है थीटा के हमेशा सामने वाला, अगर मान लो इस ट्रायंगल में ऐसा एक ट्रायंगल बनाऊं और ये थीटा यहां रख दो, तो आपकी बार ये एल्टीट्यूड नहीं होगा, आपकी बार क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो अगर मान लो यहां मैं दे दूं नंबर, जैसे मान लो यहां 3 दे दूं और यहाँ पे आपको क्या कितना दे दूँ, यहाँ 2 दे दूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा रूट का 30, ठीक है मान लो ये क्वेश्चन ये दिया है, तो अगर आपको बोलूँ मैं साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप साइन थीटा क्या बोलोगे 2 बाई रूट 30,
क्यों? क्योंकि इस थीटा के सामने क्या है, ये है। तो पी बाई एच देखो, पी अपॉन एच, पी कितना है, पी ये वाली वैल्यू होगी 2, और एच कितना है, ये क्लियर है। थीटा ये है तो ये होता, अगर मान लो ये थीटा बोलता, ये नहीं होता थीटा, तो क्या आंसर होता, 3/√13। इस बात का क्लियर रखें, पी बाई एच और बी बाई एच क्या है, थीटा कब केस से बदल जाता है, थीटा ये है तो ये एल्टीट्यूड, थीटा ये है तो ये एल्टीट्यूड, क्लियर है। ये नहीं होगा कभी, हमेशा या तो ये या तो ये दो ही हो सकता है, ये थीटा तो ये एल्टीट्यूड, ये थीटा तो ये एल्टीट्यूड, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड एक ही बात है, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ओके भाई, हाइपोटेन्यूज वो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। थीटा के साथ जो सामने होगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, जो नीचे जमीन पर होगा, तो ये है इसके सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस, ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, क्लियर है। ये दो चीज़ों का ध्यान रखें, इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके अभी हम निकालेंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है, समझ पाए, रफ करें, ओके। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में दिया है एक सर्कल है, और एक सर्कल का ये दिया है एक क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, नाम देते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब हमारा काम क्या है, ये जो साइड में देख रहे हो ना, तुमने कट ऐसे कर रहा हूँ डिज़ाइन, इस डिज़ाइन की वैल्यू निकालनी है, ये डिज़ाइन का एरिया निकालना है, ओके। तो काम करते हैं, देखो पूरे सर्कल में से अगर इस ट्रायंगल को हम बाहर फेंक दें, पूरे ट्रायंगल, पूरे सर्कल में से इस ट्रायंगल को बाहर उठा के फेंक दें, तो क्या जो बचेगा वही हमारा डिज़ाइन है। देखो आप देखो, पूरे ट्रायंगल में अगर इस सर्कल, पूरे सर्कल में अगर इस ट्रायंगल को हम बाहर फेंक दें, 1, 2, 3, ये तीन हिस्सा बचेगा, और यही हमारा क्या होगा, एरिया हो जाएगा। तो देखो इसको करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, एरिया ऑफ डिज़ाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। अच्छा यहाँ इक्विलेटरल लिख दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। तब देखो फॉर्मूला का समझो ना, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, ओ पाई आर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, आर की वैल्यू कितनी दिया है, 32 है आई थिंक, हाँ 32, एक बार देख लेते हैं, ओके 32 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 साइड का स्क्वायर। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, सब पता, बस ये साइड नहीं पता, और यही साइड हमें निकालना है, जिसकी वजह से हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री जो समझा उसको समझेंगे। देखो सर क्या करते हैं, ध्यान से देखना आप लोग, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, इसके बीच में इस पूरे ट्रायंगल, यही हमने यहाँ बना लिया, इसके बीच में हमने एक सेंटर पॉइंट ले लिया है ए बी सी, हमें रेडियस तो पता है ना, तो हम इस पूरे सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस, देखो यहाँ से ये क्या है, एक पॉइंट है भाई, जैसे सर्कल है, सर्कल में यहाँ पॉइंट ले लिए, यही तो रेडियस है, यहाँ ले लें, कहीं भी ले लो आप, कोई सा रेडियस है, तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर लिया, तो यहाँ से ये पॉइंट है 32, यहाँ से हमने ये भी देखा ये भी 32 है, और यहाँ से हमने ये भी देखा और 32 है, और ऐसे करके हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को तीन अलग अलग ट्रायंगलों में बदल दिया। क्या किया, ये सेंटर पॉइंट है, ये 32, ये 32 और ये 32, हमने यहाँ पे एक ओ सेंटर लेके हमें तीन ट्रायंगल बना लिया, बताओ कौन कौन सा, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ सी और ट्रायंगल बी ओ सी, ये तीन ट्रायंगल हमने क्रिएट कर लिए। अब देखो तीनों के साइड्स वगैरह सब सेम है ना, अगर एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हम ऐसा ही करना पड़ेगा, बिकॉज हमें यही पता है, ये पता है और कुछ पता है नहीं, हमें साइड पता है। अच्छा इतना करने के बाद सबसे पहला काम क्या करो, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, या ऐसे कर लो, ड्रॉ यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचेंगे ओ डी, ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी। क्या किया हमने, एक ओ डी लाइन ड्रॉ की इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये समझ में आ गया हो तो मैं ये ट्रायंगल मिटा दूँ ना, आप लोग लिख लेंगे पॉज करके, ये ट्रायंगल मिटा देता हूँ मैं, हम समझ गए हैं तीन ट्रायंगल है, हमें पता चल गया है हमारा कौन सा है, तीन ट्रायंगल है। अब हम इसमें से एक ट्रायंगल ही बना रहा हूँ, तीनों में से एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, मान लो ये है, इसको हमने नाम दिया था ओ बी सी, ओके। और अब देखो ये पूरा एंगल था 60, तो ये आधा, मतलब देखो ये पूरा था 60, तो ये लाइन कटने से ये आधा हो गया 30, और ये भी ऊपर हुआ कितना 30, तो एंगल कितना है, ये 30 है, ये 30 है, और 30 60 हुआ, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 120, ये ट्रायंगल है हमारा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, जिसको हमने बोला ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा तो अब ये 120 भी डिवाइड हो गया एक लाइन से, 60 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 60 हो गया। अब हमें पता क्या क्या है, ये पता है 32 और ये भी पता है हमें 32,
ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना, एक एक स्टेप समझिए, बहुत बाकायदा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा सेकंड क्या करना है, अब देखो हम अच्छा बात समझ पा रहे हो, आप हमेशा सारी चीज़ें कर क्यों रहे हैं, हमें निकालना क्या है, ये बी सी की वैल्यू क्या निकालना है हमें, ये बी सी की वैल्यू यही तो है, देखो ए बी हो चाहे बी सी हो चाहे ए सी हो, यही साइड्स है और तीनों इक्वल है, ए सी हो चाहे बी सी हो चाहे ए सी हो, ए सी ए बी तीनों साइड सेम है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, साइड तीनों सेम होते हैं तो तीनों साइड सेम है, मतलब इनमें से कोई एक निकाल देंगे वही हमारे साइड की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं, तो इसमें हम बी सी निकालने वाले हैं। अच्छा अब देखो अभी मैंने समझाया, तो अगर हमें इस बी डी की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए हमें, अगर हमें बी डी निकालना चाहते हैं, हम बी डी फाइंड आउट करना चाहते हैं और अगर हमें ओ बी दिया है 32, तो हम कोई एक ऐसा फॉर्मूला लगा लें जहाँ पे ये मिलता हो ये मिलता हो। तो अभी हमने देखा, देखो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला पता, देखो थीटा ये है, अभी हम थीटा ये मान रहे हैं ना, तो थीटा साइन 60 इक्वल्स टू कितना है पी बाई एच, पी की वैल्यू क्या है थीटा के सामने वाला, मतलब क्या है बी डी, बी डी हो गया पी और एच कितना है वही 32, एच कितना है 32, तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता होगी, मैंने बता भी रखा है रूट 3/2 होती है और ये कितना हुआ बी डी अपॉन 32, यहाँ से कट गया तो बी डी की वैल्यू आ गई 16√3, ये पता चल गया हमें, ये कितना है 16√3, क्लियर है क्या, फिर समझा देते हैं। देखो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया, ये वाला हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, इस बी सी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा अब हमने देखा हमें हमें ये पता है लेकिन ये दोनों नहीं पता, इनमें से ये हमें चाहिए, हमें बी डी चाहिए क्योंकि हमें बी सी चाहिए, बी सी का मतलब देखो आप जो बी सी है वो कितना है 2 BD जितना ही है, तो ये आधा से हमने खींचा ना, ये लाइन जो खींचे किस पे है मिड पॉइंट पे है, ये बी डी और ये डी सी जब दोनों ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें बी सी, तो बी सी इक्वल्स टू 2 BD हम बोल सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या था, हमें बी डी चाहिए था, तो हमें देखा कि भाई साइन जो साइन का फॉर्मूला होता है क्या होता है परपेंडिकुलर, साइन का फॉर्मूला होता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, देखो परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पहले से दे रखी है, पी वाई एच लगा लिया बी डी अपॉन और इसकी वैल्यू पता है, तो यहाँ से कट हो गया कितना रूट 3 की वैल्यू आ गई, बी डी की वैल्यू कितनी आ गई 16√3 और यहाँ से हम बी सी निकालेंगे, बी सी देखो बी सी इक्वल्स टू 2 BD, तो यहाँ से कितना आया बी सी इक्वल्स टू 2 × 16√3 एंड द फाइनल आंसर विल बी 32√3। एक बार कैमरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है विजिबल है बराबर, तो 32√3 ये क्या आ गया हमारा बी सी एंड दैट इज द साइड, साइड की वैल्यू कितनी आई 32√3। आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इस चीज़ों कॉन्सेप्ट को बहुत समझिए, समझ के करेंगे तो हो जाएगा ना। क्या किया हमने फिर से बता देता हूँ, हमने एक ई डी ड्रॉ कर लिया पहले, ओ डी ड्रॉ करने के जो कि परपेंडिकुलर है बी सी के, थीटा लगाया, अभी हमने देखा जो साइन 60 की वैल्यू होती है साइन थीटा होता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये थीटा है अगर ये परपेंडिकुलर हुआ, तो साइन 60 इक्वल्स टू पी बाई एच, पी की वैल्यू पता नहीं थी, ये पता एच पता था, यहाँ रखा यहाँ से बी डी निकाला और बी डी देखा किसके बराबर है 2 BC के बराबर है, तो यहाँ से हमने 2 BD लगा के BC निकाल लिया। ओके अब सब कुछ यहाँ रख देना है, अब क्या करना है सब कुछ यहाँ रख देना है, देखो 22/7 32 √3/4 32√3, ठीक है। अच्छा और सॉल्व कर लें 22/7 32 −√3/4, देखो ये सब मल्टीप्लाई में तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 32 और √3 क्या हो गया 3 हो गया। अच्छा पूरे में देखो 32 कॉमन है तो 32 × 32 कॉमन, देखो इसमें भी 32 है इसमें भी 32, ये दो बार है ना तो हमने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा 22/7 −√3/4, ये तो ऐसे नहीं करके कॉमन नहीं लेते ना, मल्टीप्लाई कर ले बाकी बाद में खोलना ही पड़ेगा, इससे अच्छा हम ऐसे कर लें 8 × 4 = 32 हो गया यहाँ से। ओके और मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस, तो 32 × 32 देखो कितना होता है 32 और 32, 2 × 4 3 × 6 3 × 6 और 3 × 9 तो 4 × 6 = 12 1024 कितना 1024 इंटू का 22/7 माइनस यहाँ पे कितना हुआ 8 × 24 32 × 24 कर लो 4 × 8 1
फोर जी 12 1 13, 2 2 4, 3 2 6, 8 4 2 6 1 7, 4 2 8, 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12, 2 2 4, 3 2 6, 8 4 2 6, 6 1 7, सो 768 रूट 3। सॉल्व कर लो इसको, 1024 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें मल्टीप्लीकेशन सी हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आए। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। ओके, तो 1024 इंटू का 22, 2 4 2 8, 2 2 4, 2 0 0, 4 2 8, 2 2 4, 2 0 0, 8 8 4 12, 1 4 1 5, 2 2 5 2 8 डिवाइड बाई 7 माइनस 7 6 8 रूट 3, एंड दैट इज द फाइनल। That is the final area of design which we required. Okay, 2 2 5 2 8 divided by 7 minus 7 6 8 root 3. ये निकालना तभी पॉसिबल है जब आप ये कर पाओगे, ये निकालना तभी पॉसिबल है जब आप ये कर पाओगे। क्लियर है ये चीज़? क्लियर? पहले जो मैंने बताया साइन थीटा कॉस थीटा वाला, उस चीज़ को समझिए एक बार, समझेंगे तो ये आ जाएगा, बहुत आसान है। पी बाई एच, बाकी ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ाऊँगा मैं और डीपली समझाऊँगा इस चीज़ों को। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है बहुत अच्छा, आपको ये सब समझ में आ रहा होगा पहले ही। ओके, नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, एक बार ही नहीं कई बार आया हुआ है। ओके, तो करिए इसको जल्दी से। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर डायग्राम बना दिया है हमें। देखो, इस चारों सर्कल में से इतना पोर्शन निकालना है और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो, अगर ये सेंटर से, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है सर्कल का, और ये भी सेंटर है सर्कल का, तो आप ध्यान से समझो, अगर किसी सर्कल में एक सेंटर से ऐसा लाइन खींचे, एक सेंटर से, ये क्या दिख रहा है आपको? क्या ये क्वाड्रेंट दिख रहा है? क्या ये आपको क्वाड्रेंट जैसा दिख रहा है? दिख रहा है ना? मतलब इस सर्कल से भी क्वाड्रेंट बाहर कर दे, इस सर्कल से भी क्वाड्रेंट बाहर कर दे, इस सर्कल से भी क्वाड्रेंट बाहर कर दिया, और इस सर्कल से भी क्वाड्रेंट बाहर कर दिया। मतलब एक क्वाड्रेंट इससे बाहर किया, एक क्वाड्रेंट इससे बाहर किया, एक क्वाड्रेंट इससे बाहर किया, और एक क्वाड्रेंट इससे बाहर किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम टोटल एक सर्कल ही बाहर कर दे रहे हैं इस पूरे क्या, किसमें से? अगर हमें क्या मिल जाए, देखो एरिया स्क्वायर निकाल लें हम, एरिया स्क्वायर में से अगर हम, देखो समझो डायग्राम को, समझो ना, डायग्राम समझ पाओगे तभी आप फॉर्मूला बना पाओगे। एरिया ऑफ सर्कल में से आपने एक ऐसे सेक्टर निकाल दिया, सेक्टर मतलब क्वाड्रेंट ना, एक ऐसे सेक्टर, एक क्वाड्रेंट ऐसे निकाल दिया, एक ऐसे क्वाड्रेंट निकाल दिया, एक ऐसे क्वाड्रेंट निकाल दिया, और एक ऐसे क्वाड्रेंट निकाल दिया, चारों क्वाड्रेंट बाहर कर दिया आपने। देखो हमने बाहर कर दिया, देखो क्या हो रहा है। बाहर करने से आप देख सकते हो हमें वही मिल गया जो हमें चाहिए था, मिला ही नहीं मिला, मिल गया ना, तो वही करना हमें। एक स्क्वायर में से चार क्वाड्रेंट या एक सर्कल बाहर कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? करें? ओके, अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा इस पे बेस पे। फॉर्मूला लिखना, डायग्राम समझोगे आप तभी आप फॉर्मूला लिख पाओगे। फॉर्मूला यहाँ पे सेल्फ मेड होते हैं, कोई फॉर्मूला प्री प्लान नहीं है, प्री बना पहले से बनाया हुआ नहीं है, डायग्राम देखे फॉर्मूला सेट करना होगा। तो चलो देखो, एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, और इसमें से माइनस करना होगा एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल समझ में रहे हो ना? एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इंटू 4, एक ही बात है। देखो एरिया सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है पता है ना आपको? कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 4, और इंटू 4 करेंगे तो 4 से 4 कट गया, तब क्या बच जाता है? एरिया सर्कल फाइनली बच ही जाता है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने समझाया ऐसा क्यों हुआ। ओके, सो थीटा यहाँ पे देखो, आर की वैल्यू पता करो। देखो यहाँ से सेंटर से ये पूरा, यहाँ इस सेंटर से इस सेंटर कितना है? 14 है। तो सेंटर से यहाँ तक देखो, एक सर्कल है सेंटर से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? यहाँ अगर एक ऐसा सर्कल, ये भी सेंटर, ये भी दोनों सेंटर सेम है, तो 7 और 7 होगा, 14 का आधा कितना हुआ? 7 और 7, यहाँ से कितना 14/2, यानी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है ना ये कैसे हुआ? देखो ये सेंटर, ये सेंटर, दोनों सेंटर कहाँ मिला के? एक सर्कल, सारे सर्कल का साइज सेम है। ओके, सारे सर्कल का साइज सेम है, तो ये सेंटर क्या हुआ? टोटल मिला के 14 हुआ, ये रेडियस प्लस ये रेडियस पूरा मिला के एक डायमीटर हुआ, तो डायमीटर बाई 2 ही होता है हमारा रेडियस। ओके, तो साइड स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड माइनस एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है? 7 इंटू 7, यहाँ लिख लो आर इंटू आर ना, पाई आर स्क्वायर। ओके, साइड की वैल्यू कितनी है? 14 इंटू 14 माइनस पाई इंटू
सेवन इंटू सेवन कितना होता है ये? कितना होता है ये? 196 माइनस 49 पाई, 196 माइनस 49 इंटू 22 बाई 7, यानी कि 7 7 जो 49, तो 196 माइनस 7 जो 14 1, 7 जो 14 1 15, 6 में 4 गया 2, 9 में 4 4 गया, 9 में 4 गया 5 गया 4, एंड दैट इज द एरिया ऑफ दैट डिज़ाइन, एरिया ऑफ डिज़ाइन। क्लियर है? ये तो इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, समझ के डायग्राम समझा हमने, फॉर्मूला सेट किया, फॉर्मूला सेट करके हमने ऐसे ऐसे वैल्यू रखी, वैल्यू रख के हमने आंसर निकाला। लिख लीजिए, आसान है ये क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एट्थ का फिफ्थ फर्स्ट वन में क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है? एक ट्रैक है, दौड़ने वाला ट्रैक, दौड़ने वाला ट्रैक का एरिया मतलब लेंथ निकालना है। जो आप ये दौड़ रहे हो ना, इनर एज, जो इनर एज है, मतलब यहाँ मैं डायग्राम बना लेता हूँ दोबारा से, ये जो इनर एज है ऐसा, इस इनर एज पे दौड़ना है हमें, और दौड़ते बताना है कितना देर दूर तक दौड़े, मतलब आप जैसे यहाँ से दौड़ रहे हो, स्टार्ट करो तो ऐसे दौड़ते गए ऐसे दौड़ना है और यहाँ तक आ जाना है, और बताना है कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया, कितने डिस्टेंस हमने दौड़ा। ओके, मान लेते हैं कि देखो ये दिया कितना, 106, ये यहीं तक है ना, इस बात का ध्यान रखना थोड़ा, ये यहीं तक है, ये सर्कल इंक्लूड नहीं हो रहा, जिसमें देखो एक कर्व आ रहा है ना, ऐसा कर्व, वो कर्व इंक्लूड नहीं हो रहा, ये यहीं तक है, और नीचे भी ये दिया है कितना, 106। अच्छा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है कितना, 60 मीटर। ओके, निकालना हमें क्या है, लेंथ। लेंथ निकालने का पता है हमें, सर्कमफेरेंस निकालना पड़ता है, या टू, देखो पहले तो क्या होगा, अगर नाम देते हैं इसको ए बी सी डी, क्या निकाल रहे हैं हम, लेंथ ऑफ ट्रैक, क्या निकालना रहे हैं हम, लेंथ ऑफ ट्रैक, और लेंथ ऑफ ट्रैक के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखो ए बी प्लस डी सी, यहाँ से दौड़ के यहाँ पे आना है, ये तो एक लेंथ दौड़ोगे आप, जब ऐसे आओगे तो यहाँ से यहाँ तक भी आओगे, और दोनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमने क्या कर दिया, ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी। अच्छा, अब साथ में एक ऐसा कर्व है और एक ऐसा कर्व है, और आपको पता, देखो कर्व में ये लेंथ कितना दिया, 60, यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा, ये 60 दिया है ना, 60 का मतलब क्या होगा, ये डायमीटर जैसा दिख रहा है, यहाँ से रेडियस कितना होगा, रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, 30, क्योंकि डायमीटर क्या है, 60, तो रेडियस क्या होता है, 60 बाई 2, आज कितना होगा, 30 मीटर। अच्छा, तो अब देखो ये सेमी सर्कल और ऐसा एक और सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल है ना, एक सेमी सर्कल ऐसा और एक सेमी सर्कल ऐसा, तो दोनों सेमी सर्कल मिला के हम क्या बना लेंगे, एक सर्कल बन जाएगा, और एक सर्कल का टू कितना होता है, सर्कमफेरेंस 2πr जितना होता है। क्लियर है ना, ये कैसे हुआ 2πr, ये आधा और प्लस ये आधा, आप आधा आधा ऐड भी करोगे तब भी चलेगा, देखो 2πr डिवाइड बाई 2 प्लस 2πr डिवाइड बाई 2, ये पूरे का आधा कितना, इतना होगा पूरे का आधा, इतना देखो 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, प्लस कितना आया, ab प्लस dc प्लस 2πr, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं ना, आप ऐसे समझ लो, वैसे समझ लो, जैसे समझना वैसे समझ लो। चलो ab की वैल्यू कितना है बताओ, 106 2 इंटू 22 बाई 7, आर कितना है, 30, सब कुछ क्लियर है, रख दें, देखो ये कितना हुआ, 212 प्लस 44 इंटू 30 डिवाइड बाई 7, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लिया तो कितना हुआ, देखो 212 इंटू 7 कितना हुआ, 7 2 14 1, 7 1 7 1 8, 7 2 14 1484 प्लस 4 0 12, 1 4 0 12 1 13, 7 दोनों ऐड करेंगे, 400 8 2 10, 1 3 2 3 4 2 4 3 7 1 8, एंड दैट इज़ द लेंथ, ये क्या आया, लेंथ आ गया। क्लियर हो, इजी है, कुछ नहीं किया, यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम लेके बस इस बात को समझना है किस किस चीज़ों को हम ले रहे हैं ना, किस किस चीज़ को लेना, समझ जाओगे तो आप आंसर निकाल पाओगे। हम ट्रैक की इनर वाली इसकी बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, इसलिए ये कितना है, ये लंबा है 10, ठीक है 10, और ऐसे ऐसे करके। क्लियर है, मैं पूरी कोशिश किया हूँ आपको समझाने की, देख लीजिए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर टू, देखो ट्रैक में फिर से बना लेता हूँ, अब की बार हमें क्या निकालना है, अब की बार हमें निकालना है एरिया, ठीक है, अब की बार हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ओके, तो और हमें पता है जो डिस्टेंस है ये वाला थोड़ा सा छोटा हुआ ऐसा, और यहाँ भी ऐसे कुछ, ये है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसे कुछ। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये टोटल कितना दिया है, ये दिया है कितना 60, और ये दिया है 10, और ये दिया है कितना 10, यहाँ से यहाँ तक कितना है 106, ये सारी बात दिया है, आपको पता है, पहले ही बता दिया मैंने। अच्छा,
अब देखो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं अलग अलग डिजाइंस में। देखो पहले हम ऐसे बना लेते हैं एक, दूसरा हम ऐसे बना लेते हैं एक, तीसरा हम ऐसे बना लेते हैं एक, और चौथा हम ऐसे बना लेते हैं एक। अब देखो अगर हम इस सबको ऐड कर दें, आपस में ऐड कर दें तो ऐसा बन जाएगा। देखो ये बॉक्स ये वाला है, नाम देता हूँ ना एक बार, ए बी, यहाँ दे देते हैं इस पॉइंट को ए डैश और इस पॉइंट को बी डैश, इसको ये बोलेंगे सी डी, इसको बोलो सी और इसको बोलो डी, दैट इज सी डैश एंड दैट इज डी डैश। ओके तो ये वाला कौन सा है, देखो ये ए बी, बी डैश, ए डैश है, सी डी, डी डैश और सी डैश है, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। ओके अब ये ट्राइंगल, ये सर्कल, ये वाला सर्कल है और ये वाला सर्कल है कर्व। ओके तो अब हमें निकालना क्या, एरिया, एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ट्रैक के लिए इसको, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर ट्रैक का एरिया निकालना। अच्छा तो ट्रैक का एरिया देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा एरिया, रेक्टेंगल ए बी, बी डैश, ए डैश, ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब कौन सा रेक्टेंगल है, डी डैश, सी डैश, सी डी, प्लस एरिया ऑफ, देखो ये क्या है, एक इतना ही चाहिए हम ना, इतना एरिया ही हमें चाहिए, हमें पूरा नहीं चाहिए। तो हम पूरा कैसे निकालेंगे, पूरा कैसे निकालेंगे बताओ, ये ठीक है यहाँ तक ठीक है। अब चीज़ एक और चीज़ समझो, देखो ये सर्कल है, इस टाइप सर्कल की हम बात कर रहे हैं, सेंटर से ये टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ। देखो सेंटर ये अंदर वाले के लिए तो कितना है 60, ये पूरा कितना था 60 है, तो आधा कितना हुआ, ये तो 30 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है कितनी है बताइए, देखो ये 30 और ये कितना है 10, ये 30 और ये कितना है 10, समझो दोबारा समझो। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो दोनों ही सर्कल का, बड़े वाले सर्कल और छोटा वाला, अंदर छोटा वाला सर्कल है, दोनों सर्कल का अलग अलग रेडियस होगा, क्लियर है ना बात, तो दोनों ही सर्कल का अंदर क्या होगा, अलग अलग रेडियस होगा। इनिशियली मान लेते हैं, क्या मान रहे हैं हम, ये सेंटर पॉइंट है मानो, तो इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, वो तो 30 है भाई, ये कितना टोटल कितना है, पहले टोटल समझ लो, देखो ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है, ये टोटल 30 है, और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना है, ये आपको देखो ये 60, ये 10, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 60 है और ये कितना है, ये 10 है और ये भी 10 है, यानी कितना 60, 70 और 80, ये कितना हुआ टोटल 80। ये बड़े वाले का कितना है 80 है डायमीटर और छोटे वाला कितना है 60 है डायमीटर। तो हमें ये एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे हम, एरिया निकालना आता है ना आपको, पहले तो हमें क्या करना होगा, एरिया, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल चाहिए ना, एमी ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम लेने वाले हैं, ओके, और इनटू करने वाले हैं 2, क्योंकि सेम ऐसा ही ऐसे ये है ऐसे वो भी है। अच्छा अब देखो लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ, भाई दोनों लेंथ इनटू ब्रेथ है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल इनटू 2, तो 2 इनटू, देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, यही होता है ना पाई आर स्क्वायर बाई, अब की बार आर स्क्वायर कैसा होगा, आर स्क्वायर में आर स्क्वायर, मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी कभी हॉलो वाली दो, जहाँ पे दो रेडियस आ जाए वहाँ पे एरिया कैसे निकालते हैं हम, पाई आर की जगह क्या हो जाता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इससे देखो बड़ा वाला आर में से छोटा वाला जब आर माइनस कर देंगे हम तो क्या बच जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, बड़े वाले आर में से छोटा वाला आर माइनस कर दिए, बड़े वाले आर में से छोटा वाला आर माइनस कर दिए, तो हमें ये मिल गया, यही चाहिए। तो बड़े वाला आर कितना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बड़ा वाला आर बताओ कितना है, कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लो आप इसके डायग्राम के ऊपर, यहाँ पे गिवन, क्या क्या गिवन है, देखो लेंथ की वैल्यू दिया, देखो लेंथ कितना है 106, ब्रेथ कितना दिया देखो 10, यहाँ से यहाँ तक देखो लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है 106, ब्रेथ क्या है, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई कितना दिया है 10, बड़ा वाला रेडियस कितना दिया है देखो 40 और छोटा वाला रेडियस कितना दिया है 30, क्लियर है ना सारी चीज़ें, एक एक बातें क्लियर होनी चाहिए तभी कर पाओगे। 106 इंटू 10, देखो ये भी दोनों सेम है, प्लस 106 इंटू 10 प्लस 2 पाई 22/7 इंटू 2, ये 2 आया यहाँ पे आ गया, आर स्क्वायर यानी कितना 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ओके करें सारी चीज़ें, थोड़ा सा समझ समझ के करेंगे हो जाएगा ना, टफ नहीं है, आपको लग रहा है बस थोड़ा सा टफ, ओके तो देखो यहाँ पे ये दो बार सेम है तो हम ऐसा लिख लेते हैं 2 टाइम्स
इंटू 106 इंटू 10 प्लस, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, कितना बचा 22/7, या कितना हुआ 4×4=16, 00 -3×3=9, 00। ओके सॉल्व करते हैं, और तो कितना आएगा देखो, 2×1060 प्लस 22/7 इंटू 9, 7, 16, 700। ओके यहाँ करता हूँ मैं थोड़ा सा, वहाँ जगह की दिक्कत है, ये 7 से कट गया, 700 हो गया, 100 या टाइम्स हो गया, तो यहाँ देखो 2×0=0, 2×6=12, 1×0=1, 2×1=2 प्लस कितना हुआ 2200, यानी कितना हुआ 0, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 4, आंसर 4320 मीटर स्क्वायर एंड दैट इज द टोटल एरिया ऑफ दिस ट्रैक, टोटल एरिया ऑफ दिस ट्रैक। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? ये डायग्राम समझना, आप डायग्राम समझोगे तो आप कर पाओगे। यहाँ पे जो ये रेडियस है, इतना माइनस इतना करेंगे तभी तो ये मिलेगा हमें भाई। एक बड़ा, जैसे देखो ये बड़ा सा चीज़ है, ठीक है, यहाँ निकाल लो तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल है, इसमें से अगर इतना माइनस कर देंगे हम तभी तो हमें ये बचेगा, ये वाला जगह कैसे बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी बचेगा। यही चीज़ यहाँ पर किया है हमने, ये पूरे रेडियस पूरा यहाँ से यहाँ तक रेडियस में से यहाँ तक यहाँ रेडियस माइनस कर दिया तो हमें ये बच गया, और यही हमें चाहिए था जो कि यहाँ पे है। ओके आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा, समझ पाए होंगे। ओके बच्चों, तो यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में वीडियो, आई होप आप लोग को एंजॉय, आप लोग पसंद कर रहे होंगे वीडियो को, तो थोड़ा सा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए ताकि थोड़ा मन करे वीडियो बनाने का। इतनी मेहनत लगती है, उसका आउटपुट नहीं निकलता तो मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बेस्ट ऑफ पढ़ाई करते रहे।